हाय गाइस, वेलकम लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम है नेल्सन और आज हम लोग देखने वाले अप्लाइड फिजिक्स 1। आज का हमारा टॉपिक है सुपर कैपेसिटर्स। अभी ये टॉपिक आपके सुपर कंडक्टर्स एंड सुपर कैपेसिटर्स का पार्ट है ऑब्वियसली, और इस पे मोस्टली एक छोटा सा कम मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर इस क्वेश्चन को एक दूसरे क्वेश्चन के साथ ऐड किया जाता है और अन्यूमेरिकल, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले सुपर कैपेसिटर्स। तीन पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहली बात, हम लोग इसका प्रिंसिपल देखेंगे, फिर इसका वर्किंग देखेंगे और कैसे बनाते हैं उसको ऑब्वियसली, एंड थर्ड पार्ट हम लोग इसको देखेंगे इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है, मतलब क्या ये रियली हाइपोथेटिकल है या फिर इसको फ्यूचर में कभी यूज कर सकते हैं हम लोग वगैरह वगैरह। ठीक है, तो लेट्स डाइव इनटू इट। सुपर कैपेसिटर्स, जैसे मैंने बोला था, सबसे पहले प्रिंसिपल, राइट। तो सबसे पहली बात हम प्रिंसिपल देख लेते हैं। दे स्टोर एंड रिलीज एनर्जी बाय रिवर्सिबल अब्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन ऑफ आयंस एट इलेक्ट्रोड मटेरियल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। गाइस, सुपर कैपेसिटर्स, ये सुपर निकाल दो, हम लोग फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करते हैं कैपेसिटर्स पे। कैपेसिटर्स क्या होता है? दो शीट्स होते हैं जिसके बीच में आयंस अब्सॉर्ब एंड डिसॉर्ब होते रहते हैं और उसके वजह से हमारा अब्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन, एज अगर आप लोग को अब्सॉर्प्शन का मतलब पता है तो आपको डिसॉर्प्शन का मतलब पता होगा, दोनों ऑपोजिट्स है अब्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। तो फिर दो शीट्स के बीच में, अगर मैं दो शीट्स लूँ, हमारे कैपेसिटर का सिंबल भी यही है, अगर मैं दो शीट्स लूँ, यहाँ से आयंस यहाँ पे, यहाँ से आयंस यहाँ पे, ऐसे करके हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है एक कैपेसिटर में। एंड अ कैपेसिटर इज बेसिकली एन अप्लायंस विच स्टोर्स एनर्जी। ठीक है, और सुपर कैपेसिटर्स वही चीज करता है लेकिन एक लार्जर स्केल पे करता है। ठीक है, इसके लिए उसके आगे सुपर लगा दिया, जस्ट लाइक सुपरमैन। ओके, अब मेरे को पता है वो कंपैरिजन ठीक नहीं था, पर फिर भी ठीक है, आगे जाते हैं। कंपेयर टू लेड एसिड एंड लिथियम आयन बैटरीज, हम लोग कैपेसिटर्स को बैटरीज के साथ कंपेयर अगर करें तो कंसिडरेबली हाई स्पेसिफिक पावर, इसका स्पेसिफिक पावर लेड एसिड से और लेड एसिड बैटरीज और लिथियम आयन बैटरीज से बहुत ज्यादा है। ठीक है, और प्लस इसका लॉन्गर साइकिल लाइफ टाइम्स। ठीक है, इसका प्रिंसिपल आप समझ गए, बेसिकली मोर लाइक अ कैपेसिटर बट डज इट ऑन अ हायर स्केल। ठीक है, ऑलराइट, तो आगे जाते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन, सिंपल इज दैट। गाइस, ये जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं, ये पॉइंट्स को हमको एग्जाम में लिख के आना है, ऑलराइट, इतना ही एग्जाम में लिख के आना है। अगर इसका कंसेप्ट यदि आपको समझ में ना आए तो खाली इतना सा लिख के आ जाना प्लीज, ऑलराइट। तो आइए आज हम इनका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले बात, सुपर कैपेसिटर्स इन प्रिंसिपल मेक्स यूज ऑफ डबल लेयर्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, डबल लेयर्ड कैपेसिटेंस का यूज होता है इसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सूडो कैपेसिटेंस। ये दो चीज पे हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखना कि इसमें डबल लेयर्ड कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रोकेमिकल सूडो कैपेसिटेंस का यूज होता है। ठीक है, अगर मैं इसको डीप में बनाना चाहूँ तो वीडियो का दो तीन पार्ट बन जाएगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम लोग इसको रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स सेपरेटेड बाय एन आयन परमिएबल मेम्ब्रेन विच एक्ट्स एज द लेयर सेपरेटर और इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड है सेपरेटेड बाय एन आयन परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें से सिर्फ आयंस पास हो सकते हैं, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस, ऐसा मेम्ब्रेन होता है दो कैपेसिटर्स के बीच में। जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, अगर आप लोगों को दिखाई दे तो, हाँ, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, मैंने पहले ही बताया था वो आयन का, और इसके बीच में जो मेम्ब्रेन होता है या इसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उससे सिर्फ आयंस पास हो सकते हैं, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो सिर्फ इससे इसके बीच में सिर्फ उतने ही पास हो सकते हैं। ऑलराइट, इस पॉइंट का मतलब वो था। नेक्स्ट, व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड्स पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, अभी समझो मेरे एक नॉर्मल दो इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ पे ला के रखे, जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे मैंने दो नॉर्मल इलेक्ट्रोड ला के रखे।
अभी अगर मैं इसको बिना चार्ज के रख देता हूँ तो इसके बीच में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, तो फिर इनका पोलराइजेशन चालू हो जाता है। जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास किया इसके बीच में से, तब बीच में से आयंस का एक्सचेंज शुरू हो जाता है। इसको ही बोलते हैं, इसको यही बोल रहा है कि व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड्स पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। ऑलराइट, आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, इसका मैंने पीछे एक फिगर बनाया, मैं आपको फिगर देख के समझाऊंगा, अभी के लिए फिलहाल हम लोग पॉइंट्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट, पॉजिटिव टर्मिनल विल हैव नेगेटिव आयंस फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मिंग अ लेयर, एंड सिमिलरली इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल विल हैव पॉजिटिव आयंस फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इतना पढ़ लिया, अब मैं आपको इसका डायग्राम बताता हूँ। ये है हमारा सुपर कैपेसिटर। ठीक है, अब हम लास्ट के दो लाइन वापस पढ़ेंगे। राइट, कहा गया, हाँ, आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब आपको इलेक्ट्रिकल डबल लेयर दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। सबसे पहली बात हम लोग इस डायग्राम को देख लेते हैं। वन है हमारा सोर्स, ठीक है, तो ये है हमारा सोर्स। सेकेंड है हमारा कलेक्टर्स, तो ये हमारे दो कलेक्टर प्लेट्स। राइट, थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड ये हमारा इलेक्ट्रोड यहाँ पर, ये साइड वाला। फोर्थ है हमारा चार्ज डबल लेयर, और हेल्महोल्ट्ज लेयर भी बोलते हैं इसको हम लोग। ये हमारा हेल्महोल्ट्ज लेयर, ये दो जो बीच में दो बने हैं वो हमारा चार्ज डबल लेयर्स। ये डबल लेयर्स दिख रहे हैं आपको, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, फिफ्थ है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, इसके बीच में जो हमारे कलेक्टर्स के बीच में जो पार्ट होता है वहां पे होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, वो जो मेम्ब्रेन बताया था मैंने आपको। सिक्स्थ है हमारा सेपरेटर, दो कलेक्टर्स के बीच में एक सेपरेटर जिसके अंदर, बेसिकली गाइस आप एक बॉक्स इमेजिन करो। ठीक है, ये मेरा बॉक्स है, ये मेरे कलेक्टर प्लेट्स है। ठीक है, इसके बीच में मैंने एक सेपरेटर लगाया है, और इसके अंदर जो मैंने फिल किया है वो है मेरा इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो आगे जाते हैं, अब हम पढ़ेंगे लास्ट वाला पॉइंट। पॉजिटिव टर्मिनल विल हैव नेगेटिव आयंस फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मिंग अ लेयर, एंड सिमिलरली इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल विल हैव पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। अभी मैंने इलेक्ट्रोलाइट बीच में रखा है, राइट, मैंने इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट डाला, ये जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव इसको कनेक्ट किया, ये पार्ट को, और नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट किया, तो इसके थ्रू इसके पास जो अब्सॉर्प्शन होता है वो होता है पॉजिटिव आयंस का, क्योंकि इस पे नेगेटिव कनेक्टेड है, और इसके पास जो अब्सॉर्प्शन होता है वो होता है नेगेटिव आयंस का, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव टर्मिनल है। ऑलराइट गाइस, यही बताया गया, ये इसका वर्किंग है, सिंपल वर्किंग है। ये जो मूवमेंट होता है यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, इसी के वजह से इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होता है, इलेक्ट्रिसिटी रन होता है इसके ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है इस सुपर कैपेसिटर में। ओके, ये था इसका वर्किंग। अब यहां पे देखो, एक इंपॉर्टेंट फुटनोट में लगा के रखा है कि टू कैपेसिटर्स फॉर्म्ड एट ईच एंड बाय अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। अब आप लोग यहां पे ध्यान से देख रहे हो कि यहां पे इसका अपना एक कैपेसिटर एक बना है, और यहां पे इसका अपना एक कैपेसिटर यहां पे बना है, विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑन ईदर साइड्स, और फिर जो बीच का वर्किंग है वो एक अपना दो कैपेसिटर्स के बीच में होता है। समझो, मैंने इसको कैपेसिटर वन बोल दिया और कैपेसिटर टू बोल दिया, तो यहां पे मेरा एक कैपेसिटर फॉर्म हो गया, यहां पे मेरा और एक कैपेसिटर फॉर्म हो गया, और इसके बीच में इसका कैपेसिटेंस दो कैपेसिटर के बीच का है। इसके लिए इसको सुपर कैपेसिटर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक की जगह पे दो कैपेसिटर्स फॉर्म हो रहे हैं। हम इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं जल्दी से। ऑलराइट, सुपर कैपेसिटर्स हैव देयर एप्लीकेशन मेनली ड्यू टू द फैक्ट दैट दे आर यूजफुल व्हेन। सुपर कैपेसिटर्स कब यूजफुल है? जब फास्ट चार्जिंग इज रिक्वायर्ड फॉर बैटरीज। सुपर कैपेसिटर्स ऐसे एक अप्लायंस है जो फट से चार्ज हो जाता है, क्विक चार्जिंग। इसके लिए इसको हम लोग यूज करते हैं एलईडी फ्लैश लाइट्स में, डिजिटल कैमरास में, और लैपटॉप बैटरीज में। ऑलराइट, दे कैन स्टेबलाइज द पावर सप्लाई एंड आर हेंस यूजफुल एज पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स
लैपटॉप और सिमिलर हैंडहेल्ड मशीन्स। पावर सप्लाई इसका स्टेबलाइज होता है गाइस, इसका ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, इसके फ्लक्चुएशन नहीं होते इसमें। नेक्स्ट, used as an interface between the load and grid to act as a buffer in between. अब हम लोग के घर में जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग लोड बोलेंगे, और जो ग्रिड से हम लोग को पावर सप्लाई आता है उसके बीच में हम सुपर कैपेसिटर्स यूज करते हैं ताकि वो एक बफर हो जाए बीच में, और उसको स्टेबलाइज करने को जो वहां से आता है हम उसको स्टेबलाइज करने के लिए सुपर कैपेसिटर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम। गाइस ये एक बहुत सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, लेकिन हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। कभी आपको चांस मिला तो प्लीज इसको गूगल करना। ये कंसेप्ट बहुत बहुत ही क्या इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। जैसे कि आप एनर्जी आपका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का। व्हीकल्स में जब हम ब्रेक मारते हैं और जो मोमेंटम आता है ना, ये उस मोमेंटम को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है और वो स्टोर करता है, और जब गाड़ी को एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत हो तब वो कैपेसिटर प्रोवाइड करता है। इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम, गाइस को प्लीज एक बार तो भी गूगल करके देखना। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू।